बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद। रेस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग टू ऑल। सम्मान्य महिला गण एवं पुरुष गण को मैं नमन करता हूँ। Today I am very happy to invite to participate in this function. आज मैं बहुत हर्ष खुशी महसूस कर रहा हूँ इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करके। I introduce myself that I am adopted son of Dr. B.R. Ambedkar. मैं अपना परिचय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दत्तक पुत्र के रूप में देता हूँ। Who educated me? जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। And also, और provided with an opportunity to serve as a high court judge. और मैं अपने हाई कोर्ट जज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। My adopted father, Dr. Ambedkar, had advised me that Indian national welfare is more than मेरे दत्तक पिता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था कि भारत का जो वेलफेयर है वो मेरे अपने फायदे से ज्यादा जरूरी है। Therefore, in order to protect our nation, there is a corruption prevailing in the judiciary. Therefore, I level a complaint against 20 judges, corrupted judges. इसी कारण से मैंने जो करप्शन हाई कोर्ट में जुडिशरी में चल रहा था उसके खिलाफ 20 जजेस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट 20 करप्टेड जजेस, 20 करप्ट जजेस को बाहर लाने के लिए द सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जज थे, हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द बेंच एंड इनिशिएटेड इलीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मी and operated their judicial power, administrative power, and caused injustice and arrested in the public institution. जब मैंने उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की जो 20 जजेस थे, इन्हें करप्शन के खिलाफ कंप्लेंट की, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने एक कॉन्स्टिट्यूट की बेंच और मुझे वहां पे बुलाया और अपनी जो सुप्रीम कोर्ट में पावर थी उनका गलत इस्तेमाल करते हुए मुझे इलीगली जेल भेजा। सुप्रीम कोर्ट has no power to interfere with my judicial work. As per Dr. Ambedkar's constitutional law, संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं बनता है कि मेरे क्षेत्र अधिकार में आकर उसमें इंटरफेयर करें मेरे कार्य में। So I adopted Indian constitutional law and operated my judicial power, administrative power against the 7 Supreme Court judges and punished them under the SCST Atrocities Act. इसीलिए जस्टिस कर्नन ने 7 जजेस के बेंच के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया एससीएसटी एट्रोसिटीज एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस आस्क्ड मी टू टेंडर अपॉलॉजी। सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेस थे उन्होंने जस्टिस कर्नन से कहा माफी मांगने के लिए। सडनली आई रिफ्यूज टू टेंडर अपॉलॉजी बिकॉज़ आई अरेस्टेड द इशू रिलेटिंग टू माय 30 क्रोस पीपल। I have to put it down as per my adopted father, Dr. Ambedkar advice. और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहा था उसपे जस्टिस कर्नन ने बिल्कुल मना कर दिया माफी मांगने से, क्योंकि ना सिर्फ ये इतने बड़े करोड़ों लोग भी उसके हकदार थे। What my adopted father advised me, accordingly I protected our Indian nation. मेरे दत्तक पिता ने मुझे बताया था कि इंडियन नेशन का जो वेलफेयर है वही सर्वोपरि है। One of the our adopted brother, former Chief Justice and former Chief Minister of Arunachal Pradesh, who belonged to a tribal community, namely Kalika Pal. We are committed suicide since the Supreme Court of India has received a 90 crores corruption and now and refused to pass judicial order in his favor. Therefore, he was forcibly committed suicide. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे
सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर उसको रेड पिटीशन में कन्वर्ट कर दिया, इसे बाद में इसको विड्रॉ करना पड़ा। The upper caste judges of the Supreme Court and other courts, they have never give any respect to Dalit people. Supreme Court के जो upper caste के judge हैं, वो हमारे Dalit judges की कभी respect नहीं करते, ना हमारे लोगों की respect करते। They are thinking we are mentally poor. They are thinking that they are mentally poor. तो मानसिक रूप से जो है, वो गरीब हैं, इसलिए उनका respect जो है नहीं करते हैं। I proved we are not mentally poor. We are wise person. Since I punished the judges of Supreme Court. मैंने उनको ये बताया कि हम जो है मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, हम लोग बहुत मजबूत हैं और हम उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। I proved that the Dalit judge is a brilliant than other judges. मैंने ये प्रमाणित किया कि जो दलित जज हैं और सुप्रीम कास्ट के जज हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही पब्लिक My judicial order world landmark judgment. My judicial order is a world landmark judgment. आपका जो judicial judgment था जिन्होंने Supreme Court के आदेश के खिलाफ judgment पास किया था ऐसे High Court, वो एक landmark judgment से आज की date में। I proved that my better people mentally strong, physically strong. मैंने ये प्रमाणित किया कि हमारे दलित पीपल है, दलित जो लोग हैं वो बहुत ही मेंटली मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं। दलित पीपल नेवर लो ऑलवेज हाई। हमारे जो लोग हैं वो कभी भी जो है कमजोर नहीं महसूस करते हैं। आवर बिलोव्ड डॉक्टर अंबेडकर एडवाइज टू मेंटेन सेल्फ रेस्पेक्ट इन द जनरल लाइफ। बाबा साहब ने हमें ये बताया कि इसलिए हमें जो है किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, संविधान हमें सारे अधिकार प्रोवाइड करता है। दिस आवर कंट्री, हमारे देश में द सेम टोल्ड बाय आवर फादर अंबेडकर, बाबा साहब ने हमें यह बताया, सो वी हैव टू रूल आवर कंट्री वेरी सून। हम इस देश के शासक हैं, हमें इस देश में शासन करना है। educated advocates available for elevation. हमारे जो educated लोग हैं
बड़ी खबर है। वेरी सून आवर एडवोकेट्स विल एलिवेटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बहुत ही जल्द हमारे जो दलित एडवोकेट को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएंगे। दिस इज माय चैलेंज एंड बिकम एन ऑनर फॉर द डॉक्टर अंबेडकर। ये मैं चैलेंज करता हूं कि उस समय बात जो है हमारे दलित एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनेगी। आई एम ऑलवेज ऑन माय पीपल डॉक्टर अंबेडकर पीपल वेलफेयर। मैं हमेशा जो है अपने देश के दलित साथियों के साथ में उनके वेलफेयर के लिए कोई उनकी शिक्षा को चैलेंज नहीं कर सकता। जो जितनी शिक्षा के पास है आज तक
ब्रिटिश ये अंग्रेज गवर्नमेंट थी। अंग्रेज गवर्नमेंट ने बात स्वीकार किया, उसने ये बोला था कि बाबा साहब के समीप कोई भी नहीं। Therefore, British government requested our brother, our doctor Ambedkar to write in the constitution. इसलिए अंग्रेज सरकार ने बाबा साहब को भारत का संविधान लिखने के लिए कहा। It is clearly proved no one brilliant except our father, Dr. Ambedkar. इससे प्रमाणित होता है कि बाबा साहब से ज्यादा बौद्धिक संपदा का धनी कोई व्यक्ति नहीं है। So, my request to my brothers and sisters, as per our father Dr. Ambedkar advice, please educate, organize and agitate how to rule India, how to capture India in government manner, and also incorporating each other. Next time I'll come and meet you. I will attend the next function. Today I'm very, very happy to see you. Next time come and pass me. इसलिए बाबा साहब का जैसे आदेश हुआ है, हमें शिक्षित बनना चाहिए, संगठित बनना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। इसकी वजह से हम लोग आज एकता हुआ है। उनके द्वारा जो भी आदेश हमारी प्रतिज्ञा दी गई है उसको अच्छे से पालन करना चाहिए। और मैं आज बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर, और मैं अगले साल फिर आऊँगा। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। इसके वजह से जो अपर क्लास है, समझ लोग हैं, हम हमारे ऊपर जो है शासन नहीं कर सकते। I strongly declared our people never slave to anybody. हमारे जो लोग हैं बहुत शक्तिशाली हैं और कभी भी उनको दूर चला सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। यू टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करें। नेवर मिस एनी सिंगल अपडेट।